मजेदार है, मैं वादा करता हूँ आपसे, अच्छा मजा आएगा आपको। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। क्या कहना, वाह वाह, बहुत नायक। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। क्या बात है, क्या कहना है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, और ये शेर सुन ले यार, बहुत मुझे पसंद है। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर एक रखती करोड़ का मिसरा है, ईमान से कह रहा हूं, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। याद है दो शेर देखें कैसे बनाए तहजीब भाई, शेर इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है, टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, वाह वाह, टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता है। क्या बात है, क्या कहना है, टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता है, और ये शेर के पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। क्या बात है, क्या कहना, वाह वाह, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ये जो शेर है ये इमरान खान साहब ने भी ये शेर कोट किया है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या बात है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, और मिला है हुस्न, अगला मिसरा भी सुना दें आप नहीं अच्छी बात है, किसी भी शायर के लिए ये खुशी की बात है कि उसका मिसरा उसके शेर याद हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परों को खोल जमाना उलान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। जिंदाबाद शकील भाई, वाह वाह, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया जी जी मैं पढ़ता हूं, इतना डांटो मत भाई, कमजोर आदमी हूं मैं, और शायर वैसे भी कमजोर दिल का आदमी होता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, और कनीज हो कोई
आगे तो सुन लो यार। कनीज हो कोई, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। बॉस क्या कह रहे हैं, वाह वाह। शकील भाई अभी ये जो शकील भाई ये जो जॉन एलिया साहब ने कहा था ना कि मैंने अपने सबसे खूबसूरत और जहीन सामईन दुबई में पाए हैं, ये वही सामईन है। क्या बात, और शुक्रिया, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। चांद दे सकता है क्या? इस टुकड़े पे अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन आप लोग तो मजा ले रहे हैं। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया यार, बहुत क्या अच्छा सुना आपने यार। मालूम नहीं है रेहान भाई और किदवाई साहिबा क्या इनसे क्या मिलने वाला है, लेकिन आपने जो दे दिया वो काफी है। बाप खुदा यार, हम तो मोहब्बत के भूखे हैं अब, लेकिन अब ठीक है, बाल बच्चे हो गए तो कुछ पैसे इशारा कर दिया। फकीर लोग हैं हम, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। शेर सुन ले यार, कि हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, जख्मे दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्मे दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। क्या कहना है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। यहां से दो शेर सुन ले के, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, एक झलक देख ले तुझको, इशारा किसी की तरफ नहीं है, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। क्या बात, वाह वाह। शकील भाई ये कमाल आप ही कर सकते थे कि इस वक्त जब 4 घंटे हो चुके हैं तकरीबन मुशायरा चलते हुए, और लोगों का जज्बा और जुनून आपके लिए देखने वाला है। ये शेर सुन ले यार, मजा आएगा आपको। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए, शेर सुनिए साहब, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। जिंदाबाद शकील भाई, जिंदाबाद, वाह वाह। मैं लुट गया आपकी मोहब्बत में, कसम से बता रहा हूं, क्या अच्छा सुना आपने यार, बहुत शुक्रिया यार। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। शेर सुने साहब, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी,
जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। क्या बात, क्या कहना है शकील भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। सदर साहब, आपकी नजर है ये शेर, और मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। ये शेर सुन ले साहब के, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। क्या कहना शकील भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या कहना है, वाह वाह। शकील भाई, आपको जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, नहीं किसी की नहीं, वो सुना देता हूं, लेकिन एक नई गजल मेरी भी सुन ले जो मैं सुनाना चाहता था। ये सब तहजीब भाई और ये उमर भाई और ये अली जरियून और दानिश भाई और हमारे मैशर भाई और चिराग, सभी मतलब इतने अच्छे शोरा एक साथ मिलते नहीं हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये गजल आपके साथ ये भी सुने और मुझे मन ही मन में दाद दें। मन ही मन में हम तो इतनी दाद दे रहे हैं शकील भाई। अरे मैं निसार आप पर यार, आपने जो सुना है मतलब मैं बता नहीं सकता। आप ये पेमेंट काट भी सकते हैं मेरा। पैसे में बहुत कमाता हूं हिंदुस्तान में माशाल्लाह। मैं नई गजल का मतला सुना रहा हूं यार, बस थोड़ी तवज्जो से सुन ले। बस तवज्जो का मतलब दाद बिल्कुल नहीं है, दाद आप अपनी मर्जी से दीजिएगा जब आपको अच्छा लगे। के सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। क्या बात है, क्या बात है शकील भाई, क्या कहना है, वाह वाह। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए, जवाब से निकल गए, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। और इसी सिलसिले का शेर है कि वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए, वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। शेर सुनो, मिसरे के ट्विस्ट का मजा लो यार। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। क्या बात, क्या कहना है सर, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। शेर सुनिए साहब के, उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। इस असर का रद्दे अमल सानी मिसरे में देखिएगा आप।
वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। क्या बात है, क्या कहना है, वाह वाह। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। शेर सुनिए साहब के, बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे। क्या कहना, बदन में उसके तर्ज थी, नजर में उसकी गीत थे, वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए। क्या बात है, क्या बात है। वो जब गया तो सारे सुर रबाब से निकल गए, किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। क्या कहना है, वाह 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 वाह, क्या कहना है शकील भाई, वाह वाह। शाम होने को है घर जाते हैं, शाम होने को है घर जाते हैं, अब बुलंदी से उतर जाते हैं। क्या बात, शाम होने को है घर जाते हैं, अब बुलंदी से उतर जाते हैं, और जिंदगी सामने मत आया कर, हम तुझे देख के डर जाते हैं। क्या बात, जिंदगी सामने मत आया कर, हम तुझे देख के डर जाते हैं। और ये शेर सुन ले साहब के, हम तुझे देख के डर जाते हैं। ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, सुन लीजिए शेर यार, ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। एक नज्म मैं भी सुना दूं, नज्म का भी शायर हूं और बड़ी रोमांटिक नज्म है। इस नज्म को सुन के घर जाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। नज्म का उनवान है कभी दिल चाहता है। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, कभी दिल चाहता है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू। यार नज़्म में मत रोको, वो रुक जाता है, आप बिना दाद दिए सुन लो, लास्ट में दे देना। कभी दिल चाहता है आईना, मतलब आपकी खामोशी मेरे लिए दाद है, मैं इतना खुश हूं आप लोगों से, सलामत रहें, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में। आखिरी हिस्सा है, कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाए, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए,
तड़प बन जाऊं मैं तेरी, तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं, कभी दिल चाहता है बहुत दिल चाहता है। जिंदाबाद शकील भाई, जिंदाबाद जी।